कि आज का हमारा जो टॉपिक है कि ADS वर्सेस हिप फायर, ADS बढ़िया होता है या फिर हिप फायर। अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बैटल रॉयल में लेजेंडरी रैंक को हासिल करना है, अगर आपको एक रियल लेजेंड बनना है, तो आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है वो मैं आपको इस प्यारी सी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यस, तो सबसे पहली वाली बात मैं आपको ये बता दूँ गाइस कि जो हमारा ADS होता है उसके बेनिफिट्स तो आपको पता ही होंगे, बिल्कुल पता होंगे। काफ़ी यूट्यूबर्स से आपने सुने भी होंगे, आपने यूज़ भी किया होगा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को। अगर आप खेलते हैं तो ADS जो है उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो तो डेफिनेटली सी बात है आपको पता ही होंगे। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि एक्चुअली में ADS से ज़्यादा बढ़िया हिप फायर होता है? अब थोड़े दिनों पहले ही एक यूट्यूबर जिसका नाम ज़रा कोड है, उसने भी टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी, तो उसका मैं अभी थोड़ा सा गेम प्ले दिखाता हूँ आपको, उससे आपको पता लग जाएगा हिप फायर के बेनिफिट्स क्या होते हैं। मैं पर्सनली ओपिनियन बताऊँ तो मैंने हिप फायर को कभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि हिप फायर यूज़ करना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं ज़्यादा तक हिप फायर यूज़ नहीं करता। आप देख सकते हैं मैं ADS को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं भी अब ट्राई करूँगा कि हिप फायर को यूज़ करूँ, कि हिप फायर ADS से ज़्यादा बेटर है। आप स्कोप का ऑप्शन रखें जिससे आप स्कोप खोल के मार सकें ADS की बजाय। तो मैं आपको उसका गेम प्ले दिखा देता हूँ गाइज, चिप स्पॉटिंग। तो गाइज, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि ये देख सकते हैं आप लोग, हिप फायर इन्होंने एक बार भी लेंस निकाला और निंजा का यूज़ करके मारा। जैसे निंजा का यूज़ करके इन्होंने यहाँ पर मारा और पिछले बार निंजा यूज़ करने वाले को मारा, तो इतना ज़बरदस्त गेम प्ले। मैंने तो इतनी प्रैक्टिस नहीं करी, वरना कर तो कोई भी दे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़रा कोड, जिनकी शायद कभी लीडर बोर्ड में नंबर वन रैंक थी, पता नहीं है, तो मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि एक तो TPP रखिएगा, क्योंकि जो TPP है वो बढ़िया होता है। FPP मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको मॉन्स्टर का गेम प्ले दिखाने के लिए कर रखा है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ TPP बेस्ट है। और ना हिप फायर का इस्तेमाल कीजिए, जैसे इस वीडियो के अंदर मैंने हिप फायर का यूज़ करके ही जो मॉन्स्टर है, मैंने उस मॉन्स्टर को हिप फायर का यूज़ करके ही मार दिया। आप देख लीजिएगा, इट्स ओनली यूजिंग हिप फायर मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया, सिर्फ हिप फायर का यूज़ करके। देखिएगा इस पूरी वीडियो को देखना, वॉच टू टिल टू एंड, तब आपको पता लगेगा कि हिप फायर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो हिप फायर बेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर वीडियो में दिखा दिया था। मैं यहाँ पर आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ मॉन्स्टर वर्सेस हिप फायर। हिप फायर साथ में एक दूसरा बंदा और गन AK-47 बेस्ट है इन माई ओपिनियन। लेकिन अगर आप हिप फायर यूज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से AK-17 या M4 बेस्ट है, इसको यूज़ कीजिएगा। होप यू एन्जॉय, ड्रॉप अ लाइक इन नेक्स्ट 15 सेकेंड्स। बाय गाइस, पूरा गेम प्ले देखना प्लीज। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया, उस मॉन्स्टर को मारने के बाद जो मेरे को सामान मिला वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो होप यू एंजॉय, ड्रॉप ए लाइक। बाय बाय गाइस, ऐसे ही वीडियो के साथ मिलता हूँ। बाय बाय।